नमस्कार, मैं अमित कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं टीवी समाचार और टीवी समाचार की टीम इस वक्त उत्तर प्रदेश के जनपद देवरिया के कलेक्ट्री में मौजूद है। हमारे पीछे लोगों का गुस्सा देखिए भाई। इस बार लोकसभा चुनाव का पहला और दूसरा चरण हो गया, लेकिन लोगों में आज भी गुस्सा है। आज भी जो जुनून है बोलने का, मीडिया पे एकदम फाड़ कर बोल रहे हैं। लोगों के अंदर गुस्सा, कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गुस्सा दिखा रहे हैं, तो कुछ लोग 70 सालों की सरकार में गुस्सा दिखा रहे हैं। जो 70 साल की सरकार रही उन लोगों को कह रहे हैं कि ये लोग जो थे वो बढ़िया काम नहीं किए। बाबा से शुरुआत करेंगे। आ जाइए सर, थोड़ा सा आ जाइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंडित विनोद तिवारी, ग्राम सभा मायापुर, थाना भटनी, जिला देवरिया। और मैं पहले आपके चैनल को धन्यवाद करता हूँ। अच्छा। और आपके चैनल के माध्यम से माननीय श्री मुख्यमंत्री साहब योगी बाबा को मैं बोलना चाहूंगा। हाँ। कि देवरिया जिला पे विशेष ध्यान दें। हाँ। क्योंकि यहाँ भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है। देवरिया जिला का भ्रष्टाचार अभी तक कुछ समाप्त नहीं हुआ। अरे भाई, आप कैसे आरोप लगा सकते हैं? एकदम आरोप। पढ़े लिखे हैं कि नहीं है आप? हम देवरिया जिला में जो विकास हुआ है, विकास की गंगा बह गई है, आप लोग आरोप लगा रहे हैं? कैसे बात कर रहे हैं आप? हम आरोप नहीं लगा रहे हैं। अभी तो वोट दिया जाएगा। हम आरोप नहीं लगा रहे हैं। हम रुक जाइए भाई। जमीनी बात दिखा रहे हैं कि यहाँ ये जनता किस लिए आई है। आइएगा भाई, थोड़ा आ जाइएगा। जनता किस लिए आई है? यहाँ जनता किस लिए आई है? परेशान है तभी आई है। जनता के मूड में क्या चल रहा है? देवरिया का विकास किससे हो सकता है? देवरिया का विकास तो सही कहिए तो योगी और मोदी ही कर सकते हैं। फिर आप योगी मोदी को आप गलत ठहरा रहे हैं, अब फिर कह रहे हैं कि विकास वही कर सकते हैं। योगी मोदी को मैं गलत नहीं ठहरा रहा हूँ। मैं उनके आदेशों का नहीं पालन करने वाले इन भ्रष्टाचारियों को बता रहा हूँ कि ये भ्रष्टाचार में क्यों लिप्त हैं। हाँ। ये जिला प्रशासन जितना भ्रष्टाचार कर सकता है कर रहा है। हाँ, आप अच्छा एक बात बताइए तो सरकार किसकी है, ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? यही जिम्मेदारी मैं योगी बाबा को बताना चाहता हूँ। हाँ। कि देवरिया जिला पे विशेष ध्यान दें। हाँ। उनके यहाँ लोग जाते हैं, पब्लिक जाती है उतना दूर। हाँ। यहाँ देवरिया भी आती है इन अधिकारियों के पास। हाँ। और ये अधिकारी अपने कुर्सी और अपने दल बल का वो दिखा करके कोई काम नहीं करते हैं। इनके भ्रष्टाचार का ख्याल कब रखा जाएगा? इनके भ्रष्टाचार का ख्याल कब रखा जाएगा? योगी बाबा कब रखने वाले जेल में चले गए? ये माफिया गुंडा मवाली उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग गए। अब क्या चाहिए आपको? तो यदि भ्रष्टाचार करने वाले जेल जा रहे हैं तो पहला जेल इस डीएम को होना चाहिए। जो रुद्रपुर कांड हुआ, पहला जेल इस डीएम को होना चाहिए। पहला जेल उन अधिकारियों को होना चाहिए जो हरामखोरी करके और उस मामले को उलझा रखे। पहला जेल उनको होना चाहिए। ये भ्रष्टाचारी है रहेंगे, और जब तक इनकी कार्यशैली अच्छी नहीं होगी ये भ्रष्टाचारी सुधारने वाले नहीं। आप किसी के ऊपर आरोप ऐसे नहीं लगा सकते बाबा जी। क्यों नहीं लगा सकते? यह मामला कोर्ट में यही चल रहा था, ये मामला यही कोर्ट में चल रहा था, फिर क्यों ऐसा हुआ? ये लीला क्यों हुआ? प्रशासन की कमी से हुआ। अच्छा। प्रशासन जानबूझ के कराया तब हुआ। अच्छा। ये जिलाधिकारी भ्रष्ट है यहाँ का। अच्छा। यहाँ का सारा प्रशासन जिला इस बार हर थाने पे जो है ना, हर थाने से रुपया आ रहा है जिला पे, और हर थाने गाय में लगा हुआ है। लोकसभा की बात हो रही है। लोकसभा चोर क्या? लोकसभा कर रखा है। लोकसभा की बात हो रही है। मोदी को कोई नहीं हराने वाला है। मोदी एकदम जीत के आ रहा है, कोई नहीं रोक पाएगा, यह सत्य है। लेकिन जो भ्रष्टाचार देवरिया के अंदर आज हो रहा है वो क्यों हो रहा है, इस पे योगी बाबा ध्यान दें। मैं बार बार यही कह रहा हूं।